डैमेज हुआ है, गियर लीवर भी, ये भी तोड़ डाला, ये सेलो टेप लगा, ये तो पूरा टूट गया है यहाँ से क्रैक। नीचे से पानी आता है, जमीन के नीचे से। ये रहा एक गर्म पानी का है और एक ठंडा पानी का है। भाई जो मेहुल को अचानक मधुमक्खी घुस गई थी हेलमेट में, वो तो खड़े थे, उनको भी पता नहीं था कि यहीं पर हिरन खड़े हैं। अंकल से पूछा ना तो वो बोल रहे थे कि ये सब फ्रॉड है, यहाँ पे कुछ नहीं है। कैसा लोग जो कब से बाइक के पीछे पीछे आ रहे थे, मिले यहाँ पे, ये रहे सारे। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम फाइनली घर ही जा रहे हैं, कि हमारा एक नाइट का प्लान था, हम लोग शाम तक घर भी पहुंच जाएंगे शायद देर हो, क्योंकि यहीं पे 10 बज चुके हैं। और एक बड़ी दिक्कत हो चुकी है, कोई गाड़ी वाले आए थे बंदे जो रिटर्न कर रहे थे गाड़ी, तो मेहुल भाई को बाइक को ना ठोक दिया है, तो वो जो पीछे वाला कैरियर है ना वो डैमेज हो चुका है और टूट ही गया है शायद। तो बताता हूँ आपको नीचे जा के, सुबह सुबह ही बड़ा नुकसान हो गया। और ये था हमारा रूम, सारा सामान भी पैक कर दिया है, बस खाली बंद करना बाकी है। निकलते हैं यहाँ से फटाफट, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। ये गाइस जो कुछ हरिओम होटल करके गेस्ट हाउस है, वो देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है, बहुत अच्छी होटल है, आपको चाहो तो यहाँ पे रुक सकते हैं। मैं यहाँ का नंबर भी दे दूँगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। होटल कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, बहुत अच्छा है। तो निकलते पहले डैमेज दिखाता हूँ मेरे भाई की बाइक में, फिर निकलते हैं यहाँ से। भाई जो सारा सामान लेके आ चुके बाहर और डैमेज दिखा दे, तो ग्लास भी डैमेज हो चुका है, ये लेगर भी डैमेज हुआ है, ये लीवर भी, ये भी तोड़ डाला, ये सेलो टेप लगा, ये तो पूरा टूट गया है यहाँ से क्रैक। इसको सीधा करना पड़ेगा वरना गियर कैसे करेंगे। इसको अभी सीधा कर रहा है मेरे भाई, वो भी भाई ये शिफ्ट वाले ने सुबह थोड़ी देर पहले ही टूल किट रखना जरूरी है। हाँ ये देखो टूल किट हमारी काम में आ गई, टॉप बॉक्स में थी, मेहुल भाई ने पूरा टॉप बॉक्स खाली किया है। तो ये शिफ्ट वाले ने भाई ठोका था, ये तो पीछे लाके ठोक दिया साले ने। और सुबह हमें कैमरे में चेक किया तो पता चला कि थोड़ी देर पहले सुबह ही ठोका इसने, और बाइक खुद खड़ी करके रख भी दी थी बाइक। तो थोड़ा होटल से थोड़े नीचे आए थे, यहाँ पर नाश्ता करने के लिए रुके मैं और मेहुल भाई, नीचे ही है होटल ये, और हम जो रुके थे वो ऊपर दिख रहे ना वहीं है। नाश्ता करते फिर यहाँ से निकलेंगे, फिर बता दे आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो भाई जो नाश्ता हो चुका है, अब निकलते हैं यहाँ से। और जो मेहुल भाई की बाइक में जो क्रैश हुआ था उसका वीडियो मुझे पता नहीं, मेहुल भाई ने कैमरे में से ले लिया था शॉट, ले लिया था मतलब जो गाड़ी वाले ने ठोका था, वो मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ, आप लोग देख भी लेना उसके बाद। तो फटाफट अब यहाँ से निकलते हैं, और जो क्रैश हुआ था वो तो मेहुल भाई ने भी पट्टी लगाई है, ये रही ब्लैक, और ये भी ये तो पूरा डैमेज है, तो इसकी क्लिप मैं डाल देता हूँ, अभी देख लेना आप लोग। तो निकलते हैं फटाफट यहाँ से, अब पहले हम जाएंगे तुलसी श्याम, बाद में तारी, और फिर घर चले जाएंगे। तो ऐसा कुछ रूट है हमारा आज का।
तो भाई जो अभी दीव में ही है, फ्यूल अप करवा लेते हैं पहले। यहाँ आगे एक जियो डीपी का फ्यूल पंप है, वहीं पे मेहुल आ रहा है पीछे। रात का रूट तो मैंने बता ही दिया, पहले हम जा रहे हैं तुलसी श्याम, यहाँ से कुछ 55 किलोमीटर है और वहाँ से धारी है 50 किलोमीटर। तुलसी श्याम में एक तो मैग्नेटिक हिल जैसा कुछ है जो मैं अगली राइड में आया था तब जाना था मुझे, लेकिन मैं नहीं गया था, अकेला था इसीलिए। भाई जो फुल अप हो चुका है, अब व्यू चेक करो भाई क्या अच्छा है यार इस तरफ भी। अब बस एक दिक्कत है खाली, मेहुल भाई की बाइक में ना आगे वाली नंबर प्लेट नहीं है, तो शायद हमें बॉर्डर पे रोके चेकिंग तो होगी हमारी भी। तो भाई जो दीव वाली बॉर्डर थी वहाँ पर तो नहीं रोका है, गुजरात इस तरफ गुजरात आ गए, यहाँ पर भी नहीं। तो भाई जो चेकिंग तो नहीं हुआ हमारा, एक भी बाइक नहीं रोकी, मेहुल भाई के आगे जा रहा है, मैं भी जा रहा हूँ, टॉप बॉक्स भी आज चेक नहीं हुआ हमारा। चलो अच्छी बात है, अगर होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं। बस खाली एक ही दिक्कत थी कि मेहुल भाई की बाइक में ना आगे वाली नंबर प्लेट नहीं है, वो तो पूछते तो हम बता भी देते कि नंबर प्लेट पड़ी है अंदर बैग में ही रखी है। चलो कोई नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। तो भाई जो यहाँ से तुलसी से हम जाने के लिए पहले आपको ऊना आना पड़ेगा, वहाँ से जो 7 या 8 किलोमीटर है तो ऊना होके जाना पड़ता है। तो फिर अभी हम हमारे यहाँ ऊना बाकी है, 2 या 3 किलोमीटर बाकी है। तो भाई जो देख रहे हैं ये है कुछ तुलसी श्याम वाला इलाका, और रास्ता भी यही है पूरा, ऐसे ही है सिंगल पट्टी रोड है। और वहाँ से जो धारी जाने का रास्ता है वो भी मतलब ऐसा ही है सिंगल पट्टी रोड, लेकिन थोड़ा थोड़ा ठीक है, गड्ढे तो है यार, गांव वाले इलाके हैं थोड़े और जंगल वाले भी। वेलकम टू गिर विल्ड लाइफ सेंचुरी जसदार धारी, और यहाँ से ना गिर स्टार्ट हो जाता है। ये अब ना जंगल इलाका स्टार्ट हो गया, ये देखो बोर्ड। भाई यहाँ बैठ के कैरिया बेच रहे हैं ये लोग, कैसे तो आगल यार। भाई यहाँ पे नो एंट्री का बोर्ड है, मतलब अंदर कुछ होगा जो जंगली प्राणियों होंगे सब, कुछ तो ऐसा होगा अंदर जो नो एंट्री लिखा है, पता नहीं क्या है। बट भाई इलाका डेंजर है इधर, यही वाला ये देखो गाइस हरण है इधर, ये रहे अंदर दो है, ये रहे नहीं 3 है, वो भी भाग गए। भाई जो मेहुल को अचानक मधुमक्खी घुस गई थी हेलमेट में, वो तो खड़े थे, उनको भी पता नहीं था कि यहीं पर हिरन खड़े है। अभी जो मैंने मोबाइल में बताए वही थे, 3-4 थे लेकिन 2 भाग गए और 2 थे वहाँ पे। मेरे को भी नहीं पता था कि हिरन है वहाँ पे, आगे और दिखते हैं तो दिखाएंगे।
आपको देखकर ही पता चल गया होगा कि भाई कितना खतरनाक इलाका है ये। लो गाइस हम आ चुके तुलसी श्याम। भाई जो जाता हूँ अंदर, दो कुंड, एक गर्म पानी का और एक ठंड पानी का, तो दिखाता हूँ आपको। भाई जो अंदर आ चुका हूँ मैं, वो कुंड है वहाँ पे, ये रहे, नीचे से पानी आता है ज़मीन के नीचे से, ये रहे, एक गर्म पानी का है और एक ठंडा पानी का है। सब नहाते भी है इसमें, ये कुछ, और एक मंदिर है जो टेकरी पे है, मैं बाहर जाकर दिखाता हूँ। बाकी हम ज़्यादा टाइम यहाँ पे रुकने वाले नहीं है। तो गाइस वो दिख रहा है पीछे मंदिर जो ऊपर है, हम वहाँ नहीं जा रहे, हम अब निकल रहे, क्योंकि हमें वो मैग्नेटिक हिल के बारे में पता नहीं है, ढूंढते ढूंढते जाना पड़ेगा। तो बस हम निकलते हैं यहाँ से, 5-10 मिनट बैठते बाद में निकल जाते हैं यहाँ से। ज़रा कुछ काम चल रहा है शायद अंदर, ये कुंड है ना वहाँ पे, और ये बाजार है, वहाँ से ऊपर जाना है मंदिर के लिए। तुलसी शाम से भी अब निकले हैं, व्यू चेक करो गाइस, क्या ही व्यू है। और आगे वो मैग्नेटिक हिल जैसा कुछ है, वहाँ पे रुकते हैं। ओ भाई यहाँ नीचे उतरना मना है बाइक, भाई क्या रास्ता है और गड्ढे इतने बड़े बड़े हैं भाई। अभी यहाँ तो मिलिट्री वाले, मैं जो वो मैग्नेटिक हिल की बात कर रहा था वो ना हमें पीछे छूट गया गलती से, हमें पता ही नहीं चला कब निकल गए वो, लेकिन कहीं बोर्ड भी नहीं लगा था वहाँ पे, और मैंने वीडियो में देखा था बोर्ड था वहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र लिखा हुआ था, वो बोर्ड कहीं दिखा ही नहीं। तो मेहुल भाई ने वो मिलिट्री वाले भाई से पूछा तो बोले कि वो तुलसी श्याम से आप निकले ना वहीं तुरंत ही है, लेकिन वहाँ पे ढलान तो थी, मैंने आगे रास्ता दिखाया उसमें, शायद वही होगी, लेकिन ऐसा कुछ लगा ही नहीं वहाँ पे। और एक अंकल से पूछा ना तो वो बोल रहे थे कि ये सब फ्रॉड है, यहाँ पे कुछ नहीं है कि ऐसा। तो भाई हमने तो वीडियो में देखा था, हमें क्या पता कि भाई फ्रॉड है या सही में है, कोई नहीं, चलो भाई छूट गया तो छूट गया, अब सीधा धारी जाते हैं हम। अभी तो हम जंगल में ही घूम रहे हैं। ओ भाई तो निकले अब धारी के लिए, देखते हैं कोई जंगली प्राणी वाणी दिखे तो दिखा दे। एक तो हिरन दिखे, वो भी क्लीन नहीं दिखे, अंदर झाड़ी में थे, मेहुल भाई को पता नहीं था, बाइक उन्होंने रोक दी, मधुमक्खी घुस गई थी उनके हेलमेट में, हेलमेट का वाइजर खुला था तो उन्होंने रोक दी, मुझे बोला आगे रुको, मैंने जैसे ही गाड़ी रोकी मैंने सोचा झाड़ी में से आवाज़ क्यों आ रही है, तो देखा तो हिरन थे। यहाँ पर मुझे ना एक बात बहुत अच्छी लगी, एक चीज़ भी, कि हर 200 मीटर पे ना ब्रेकर है, एक यहाँ आया वो एक आगे दिख रहा है, ये इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे ना जंगली प्राणी घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ, हिरन हिरन वगैरह कुछ भी, मतलब जंगल है तो घूमते ही रहते हैं, तो ना गाड़ी वाले ना स्पीड से ना जाए इसीलिए हर 200 मीटर पे ना ब्रेकर रखा है। शायद हम तकरीबन अंदर घुसे ना जैसे ही जंगल में, तब से है चालू है हर 200 मीटर पे ब्रेकर है, कोई स्पीड से चला ही नहीं सकता इसको, थोड़ी बहुत रख सकते हो 50-60, ज़्यादा नहीं। ओ देखो मेहुल भाई, ओ भाई हिरन वो रहा देखो, अबे यार भाई रुक नहीं सकते, इधर रुकना मना है। यहाँ ना थोड़ा ज्यादा इलाका जंगल जैसा है,
यहाँ पर कोई भी प्राणी घूम सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो मतलब रुकना नहीं यहाँ पे। यहाँ पे आप देखोगे ना कोई नहीं रुक सकता है यहाँ पे, और लिखा हुआ भी है ये रहा, मतलब जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से बाहर निकलो। तो मेहुल भाई तो भगा रहे आगे, मैं भी भगा रहा हूँ। भैया ब्रेक, और एक ब्रेक, नहीं नहीं तो भैया यहाँ पे तो गांव है यार। ये लोग को, इन लोगों को डर नहीं लगता होगा क्या? ये ना पूरा गिर में ही आता है, पूरा शासन गिर। मैं तो पहली बार ही आया हूँ यहाँ पे। तो देखो गाइस, जब भी हिरन गया यहाँ से तो रोड पर ही था, कहाँ गया? ये रहा, ये जा रहा, देखो ये रहा। ओके, नहीं दो है, और भी हो सकते इधर, अभी यहाँ दो है भाई। किस गेट है? वेलकम टू गिर वर्ल्ड, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ से शायद ना गिर खत्म हो जाता है। तो फाइनली गाइस हम लोग धारी पहुंच गए हैं, और जा रहे हैं खोड़ियाल टेंपल, कि वहाँ पे है एक डैम है, एक वाटरफॉल जैसा कुछ है। वो अभी तो पानी हो या ना वो पता नहीं, वाटरफॉल बहुत बड़ा था, शायद थोड़ा पानी भी हो सकता है, बट मुझे कुछ आइडिया नहीं है। भाई क्या अभी अच्छा गेट बना रखा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं होटल है अंदर कुछ है, होटल ही है शायद, तो इन लैकेट कुछ ऐसा लिखा हुआ है, सही से दिख नहीं रहा है यहाँ से। अम्बारड़ी सफारी पार्क है, ये रहा देखो, इसके अंदर ही सफारी कराते होंगे ये लोग, पता नहीं। अब ये लोग आई जा चुका है डैम। अबे भाई रास्ता तो देखो, ये रहा देखो, और हमें डैम के ऊपर से जाना है, ऊपर से या हाँ शायद तो ऊपर से ही है। हाँ, ये डैम है नीचे और ऊपर से जाना पड़ता है। वो रहा नीचे मंदिर, भाई जो बाइक वाले कुछ मिल गए थे, मैं बताना भूल गया। नीचे मंदिर है और ये है डैम, जो भी काम चालू है, बहुत बड़ा डैम है, ये देख ही सकते हो आप लोग। ये रास्ता भी बहुत ख़राब है, बाइक वाले पूछ रहे थे कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। भाई अहमदाबाद से आ रहे हैं, और मंदिर उस तरफ नीचे में दिखाना भूल गया, वो बाइक वाले लड़के मिल गए ना, तो दिखाता हूँ नीचे जाता वो। ये रास्ता कुछ नीचे जाता है। अबे यार वाटरफॉल तो बंद लग रहा है यार, पानी नहीं यार, डैम का काम चालू है ना इसीलिए पानी नहीं है, वरना यहाँ पे कोई भी सीजन में आ जाओ अब पानी होता है। भाई जो फाइनली आ चुके हम धारी मंदिर में, बाहर खड़े, ये रहा गेट, तो यहाँ से अंदर जाना है। तो जाता हूँ और अंदर का मंदिर व्यू दिखाता हूँ, यहाँ से नीचे का भी व्यू दिखाऊँ।
ऊंचाई जो है यहाँ पर ही पानी था, इसके नीचे भी होता था यहाँ पे, लेकिन डैम का काम चालू इसलिए सब बंद है। तो फिर भी मैं नीचे जाकर आता हूँ, ऊपर देखो थोड़ा सा पानी तो होगा ही। तो गए जो कब से बाइक के पीछे पीछे आ रहे थे, मिले यहाँ पे, ये रहे सारे। सब अपना अपना नाम बताओ एक एक। क्या नितिन, आपका नाम? अनिल। मेरा नाम प्रिंस। प्रिंस। और वो भाई का? रोहित। भाई सबके सब पीछे आ रहे थे बाइक के, वहाँ पे जो बाइक पार्क की वहाँ पे मिले, तो उन्होंने बोला कि हम पीछे आ रहे थे। कहाँ रहते हो? बाजू के गांव में ही रहते हैं, यहाँ पे जाते अब वहाँ पे नीचे। जहाँ मैं खड़ा हूँ ना वहाँ पर ही वाटरफॉल होता था, लेकिन बंद है तो, क्योंकि डैम का काम चालू है ना, तो अभी थोड़ा सा पानी गिर रहा है, बाकी सब बंद है। यहीं जगह पे वाटरफॉल होता है। और ये लड़के बोल रहे हैं कि ऊपर ने घोड़े ने ऊपर से छलांग लगाई थी यहाँ पर, जो उसके पैर के निशान है। चलो जाते हैं देखते हैं। भाई ऊपर से घोड़े ने छलांग लगाई थी, ये रहा पैर का निशान। पर भाई बोल रहे हैं कि यहाँ पे सिक्का चिपक जाता है मारते हुए। तो गाइस जो ये मंदिर यहीं पे है, ये रहा ऊपर। ये रहा रियल मंदिर कुछ। भाई जो निकले अब धारी से, अब जा रहे हैं लिमड़ी। लिमड़ी से सीधा घर जाएंगे, 285 किलोमीटर है। और ये जो देख रहे हो जंगल इलाका है, और अंदर सफारी भी कराते हैं, जंगल सफारी अगर आपको करनी है तो। आगे गया थे एक, आगे गया, अरे एक मतलब धारी के नज़ीक है कुड़ियाल माता के मंदिर के पास, और एक आगे है शायद, मैंने आते वक्त देखा था। भाई ग्लव्स भी नहीं पहने, भाई इतनी गर्मी लग रही है ना भाई। गलती से दोनों गेट ना पीछे ही छूट गए, वो जो मैंने गेट देखा था वो लास्ट वाला गेट था शायद, आगे कोई गेट नहीं है। दोनों गेट वहीं पे हैं, पास पास ही है। अगर आप आओ तो वहाँ पे जंगल सफारी ज़रूर करना, बहुत मज़ा आता है। वहाँ के लड़के जो मिले थे वो बोल रहे थे, और कुछ शेर के वीडियो बताए उन्होंने यहीं गाँव के। भाई शेर ना खुले हम घूमते हैं यहाँ पे, वो लड़का बता रहा था। और भाई उसने वीडियो भी काफ़ी क्लिक कर रखी थी, मुझे बोल रहा था भाई ब्लॉग में डाल देना। नहीं भाई मैंने देखा नहीं, मैं कहाँ से डालूँ भाई ब्लॉग में। अगर मैं देखता, मैं शूट करता तो मैं डाल सकता हूँ ना ब्लॉग में। अगर ऐसा थोड़ी ना चलता भाई, कोई और उतारे और मैं डाल दूँ ब्लॉग में, ऐसा तो मैं वरना ऐसा ही नहीं करूँ भाई। दोस्त घूमने गया है भाई, तो वीडियो उतार के भेज दे मेरे में, मैं डाल देता हूँ ब्लॉग में। ऐसा थोड़ी चलता है भाई, जो मैं देखता हूँ वही कैप्चर करता हूँ, बाकी मैं दूसरों से वीडियो लेकर नहीं डालता हूँ। तो भाई अब जाते हैं लिमड़ी के लिए। यहाँ से 185 किलोमीटर है, और वहाँ से 100 किलोमीटर हमारा घर है चांगोदर। तो निकले, मेहुल भाई को बोला है थोड़ी स्पीड रखना, तो क्या दिन दिन में ही घर पहुंच जाए।
अभी हम 5 मिनट की ब्रेक ली थी हमने, और भाई मेहुल भाई की बाइक में देखा ना तो भाई 206 किलोमीटर दिखा रहा है हम आज जो कवर करके आए हो, और मेरे में दिखा रहा है 193। अभी हम 2 किलोमीटर आगे आए, जब हम खड़े थे तब हमने देखा था भाई, ये डिफरेंट है दोनों बाइक में भाई, क्या कर रहा है यार। हम पहुंचे हैं बोटाद, तो यहाँ से शायद 150 किलोमीटर जितना बाकी होगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। उतना ही होगा शायद, या 100 हो। लिम्बड़ी आ चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि मौसम खराब हो रहा है भाई, हवा इतनी तेज चल रही है। ये देखो आगे पेड़ देखो, क्या है ये सर। भाई देख रहे हो कितनी हवा जोर से चल रही है, 6:55 हो रहा है और हम अभी लिम्बड़ी खड़े थे, निकल रहे हैं यहाँ से। अब जाते हैं सीधा घर, यहाँ से बस 1 घंटे का रास्ता है, 85 किलोमीटर। तो बस घर पहुँचते जल्दी, देखते हैं 1 घंटा या 1.5 घंटा तो लगेगा। तो भाई जो फाइनली मैं घर आ चुका हूँ, और इस वीडियो को यही एंड करता हूँ। होप करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ कल ऐसी दूसरी वीडियो में, कल मतलब अगले संडे।